अप्रैल 2024 का दिन मुझे 12 13 14 14 अप्रैल को इलेक्शन ड्यूटी के लिए गुवाहाटी से उदालगुरी का सफ़र तय करना। करीब 14 या 15 दिन का सफ़र होगा। इस सफ़र का सारा वीडियो आपको सुपर स्टेट चैनल में मिल जाएगा। दिखा दे तो ये चलता और पुराना वाला ये इसमें मुझे लगा बाहर वाला ये और चलता नहीं खाई गया ना और एक सप्ताह चलता खत्म हो गया सीट बेल्ट का। कोई पॉइंट में कहीं जाम था, जाम का वजह से अटक रहा था। खोल के वापस सेट किया, आराम से हो गया सीट बेल्ट का। यही गाड़ी में सीट बेल्ट कभी खराब होता ही नहीं है, वो सामान्य है। हाँ क्या उसके स्पीड मीटर किलोमीटर का लाइट जल रहा था, बाकी कोई लाइट नहीं जल रहा था। अभी खोला है तो चार स्क्रूप में तीन स्क्रूप तो सही है, एक स्क्रूप सर गया। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र चौधरी। आप देख रहे हैं गुवाहाटी सुपर स्ट्रीट चैनल। भारत के उत्तरी पूर्व राज्य असम के गुवाहाटी का मैं निवासी। इस चैनल के माध्यम से असम में स्थित प्रमुख धार्मिक स्थल, प्रमुख टूरिस्ट प्लेस और कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट जो इस शहर में होगा देखने को मिलेगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो का टॉपिक है मेरा व्हीकल A01LC8198 से मैं उसका आज ब्रेक पैड जो ये है और ब्रेक शू जो ये आपको दिख रहा है इसको चेंज करने का मैं वीडियो आपको आज दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करता है आज का वीडियो। आज है 11 अप्रैल 2024 का दिन मुझे 12 13 14 14 अप्रैल को इलेक्शन ड्यूटी के लिए गुवाहाटी से उदालगुरी का सफ़र तय करना। करीब 14 या 15 दिन का सफ़र होगा। इस सफ़र का सारा वीडियो आपको सुपर स्ट्रीट चैनल में मिल जाएगा। उससे पहले मैं गाड़ी का जो जो काम बाकी है वो करने का ख़त्म करके जाना चाहता हूं, तो वही हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ब्रेक पैड बदल रहा हूँ। मेरा ब्रेक व्हीकल है S01LC8198, मैं बता चुका हूँ। इस व्हीकल का ये प्रॉब्लम है कि मैं हर बार उसको ब्रेक पेन चेंज करने को हर मोबाइल डाउन में ब्रेक पेन चेंज करने का मैं कर देता हूँ। तो चेंज नहीं करना चाहिए क्योंकि कम से कम दो मोबाइल डाउन, एक मोबाइल डाउन 10,000 किलोमीटर पर होता है और सेकेंड मोबाइल डाउन 10,000 किलोमीटर 20,000 किलोमीटर पर ये ब्रेक पेड चेंज होना चाहिए। लेकिन मेरा मैं 10,000 किलोमीटर में चेंज करता हूँ। इस बार मैंने ट्राई किया डबल चलाने का, लेकिन मैं बाहर की तरफ मुझे इलेक्शन ड्यूटी के लिए जाएगा तो मैं सोचा वहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो अपना तरफ से कोशिश कर लो, बाकी तो भाई गाड़ी घोड़ा का है भाई, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ से चेंज करके अपना तरफ से जो हो सके 100% काम में दे सकूँ। तो मैं ब्रेक पेड और ब्रेक शू के बारे में भी बताता हूँ। ऐसे निकल जा, नहीं निकलना, ये है रिपेयर ब्रेक पेड चेंज कर रहा हूँ। इसका वीडियो एक का नाम है विमल भाई, एक का नाम है गणेश भाई, जो गुवाहाटी के यहाँ बिरुवारी रूपनगर के बॉर्डर में जो काठमिल है, काठमिल का पास गैरेज है, गैरेज में हम लोग अभी चेंज कर रहा है। ये मेरा गाड़ी है जिसका आप देख पा रहे हैं वीडियो। अभी तो ब्रेक पैड चक्का खोल के लेफ्ट साइड का ब्रेक पैड चेंज कर रहा है, वहाँ जाके वीडियो बनाता है। उसके बाद ये ब्रेक शू है इसको चेंज करेगा। इसका प्राइज एक चक्का का है, मैंने देखा था अभी थोड़ा देर पहले, कहाँ लिख दिया मैं भूल गया चेक करना। ये और तो नहीं है ना, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। किधर है भाई? हाँ हमें कहीं होना चाहिए, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। प्राइज 676 कुछ लिखा हुआ था, हाँ 675 लिखा हुआ, 675 सिंगल का ये लिखा हुआ है, 675 दोनों मिला करके होता है शायद 1400 से 1500 रुपये लिया है मुझसे।
ब्रेक पैड के बारे में, क्लच रिलीज कवरी ये है, ये बिल है, क्लच रिलीज 950 लिया शायद, क्लच किट हाँ यही है 950 लिया है, टोटल 29% का डिस्काउंट किया, टोटल बिल उसका हुआ 435 रुपीज़ का। ये क्लास डिस प्रेशर प्लेट और रिलीज बेलिंग ये भी लिया हूँ, रिलीज बेलिंग ये क्लास डिस टोटल 6 स्प्रिंग का है। ये देखिए मैंने वीडियो बना देता हूँ, पिछला बार वीडियो नहीं बनाया पर मैं खुद कंफ्यूज हो गया था क्या करना है क्या नहीं करना, 6 स्प्रिंग का है, 1 2 3 4 5 6 स्प्रिंग का इसको लिया, एक रिलीज बेलिंग लिया हूँ और साथ में एक क्लच डिस लिया हूँ, जिसको भी खोल के दिखा देना सही रहेगा क्या नहीं रहेगा। हाँ ये देखिए सही रहेगा, ये सही रहेगा, अच्छा वजन ज़्यादा है ना, वजन उठाने में प्रेशर लग रहा है। ये रहा क्लच डिस, और मेरे एक दोस्त ने कहा है कि तुम्हारा क्लच डिस प्रेशर प्लेट रिलीज बेयरिंग हर बार ख़राब हो जाता है, तो इस बार क्या करना, का ख़राब होगा ना ये, इसको चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसको चेंज कर देना और चला कर देखना, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम है कि मेरा गाड़ी का 2 महीना में चेंज होते ही रहता है, इसलिए मैं इस बार यही चेंज करूँगा, मिलेंगे सेफ्टी के लिए ये लेके रख लिया हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम हो और उससे मैं एडजस्ट कर सकूँ। तो चलिए आगे मैं वीडियो बनाऊँगा ब्रेक पैड चेंज करने का वीडियो, जो गणेश भाई और विमल भाई चेंज कर रहा है उसका वीडियो बनाऊँगा, और उसके बाद मैं आगे का वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। ये बिल मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, आपको 435 रुपीज़ का बिल हुआ है, और वो भी अच्छा भाई कितने गया, हाँ ये रहा, ये है इसका नाम शंकर ऑटोमोबाइल से जो लिखा हुआ गोल्डन हाइट बाव बिल्डिंग केजी चौधरी रोड नियर शिव भक्ति इंजीनियर वर्क्स, ये लेकर के रख लिया हूँ, अच्छी बात है। चलिए अभी देखता हूँ आगे का वीडियो में कंटिन्यू करता हूँ, दिखा दे तो ये चलता, और पुराना वाला ये इसमें मुझे लगा बाहर, ये और चलता नहीं, खाई गया ना, और एक हफ्ता चलता ज़्यादा नहीं, 3000 किलोमीटर चलाने के बाद एक्स्ट्रा चलाया, और साथ में एक सप्ताह और चलने का बात हो रहा है, अच्छी बात। और ब्रेक शू के बारे में देखता है, ब्रेक शू के बारे में क्या बताता है, मैंने इस बार 3000 ज़्यादा किलोमीटर ज़्यादा चलाया प्लस एक सप्ताह और चलेगा ये बात बताया। चलिए नेक्स्ट टाइम भी इसी प्रकार का कुछ करने का कोशिश करेगा, अभी बाहर जा रहा है इसके लिए वीडियो बना रहा है, ठीक है। आज गाड़ी का हो गया 4 साल, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, समझे 4 साल 6 महीना हो गया, उसके बाद जाके पहली बार ये ब्रेक पैड नहीं ब्रेक शू बोला जाता है, ब्रेक पैड बोला जाता है आगे वाला चक्का को, और पीछे का चक्का को बोला जाता है ब्रेक शू। 4 साल 6 महीना तक चलाया है ब्रेक शू, जो अभी इसका मैं फोटो साइड में लगा दूंगा बॉक्स का, उसे चेंज करने का भी जा रहा है, जो है कितना 11 अप्रैल 2024 का वीडियो है। देखिए अभी तक मेरे हिसाब से चलता है, और लेकिन मैं अभी बाहर जा रहा हूँ ना इलेक्शन ड्यूटी के लिए उदालगुरी, तो सोच रहे इसको चेंज करके उसके बाद जाओ, ताकि मुझे वहाँ किसी भी प्रकार का अपना तरफ से मैं 100% देना चाहता हूँ, प्रॉब्लम ना हो, बाकी तो कुछ अगर काम निकल जाए तो वो तो मेरे हाथ में नहीं है भाई, और कुछ काम निकल गया तो करना ही पड़ेगा। अपना तरफ से ब्रेक शू और ब्रेक पैड में चेंज कर दिया, मोबिल टाइम ब्रेक कूलर ब्रेक ऑयल वो सब तो लेकर के जाऊँगा ही, बाकी और कुछ कुछ जरूरी सामान जो जरूरी है लेके जाने के लिए वो मैं व्यवस्था करके रखने का सोचूंगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे हिसाब से केस है, केस रहेगा तो कुछ भी अगर रिपेयरिंग का प्रॉब्लम आएगा तो मैं उसको ठीक कर दूँगा, वही मैं किसी मैकेनिक को बुला के। ये पैकेट महिंद्रा के अंदर यहाँ टीवीएस कहीं लिखा, हाँ टीवीएस लिखा हुआ है, टीवीएस का माल, बहुत अच्छा बात है, कंपनी घोटाला कर रहा है ना, घोटाले के ऊपर घोटाला हो रहा है, ये अच्छा बात है, डायरेक्ट सेट होने का तो टाइम कम लगेगा, सेट हो जाएगा। ये ब्रेक शू है, इसको शू बोला जाता है, जैसे इंसान पहनता चप्पल तो उसका जूता तो उसको बोला जाता है शू, ये है ब्रेक शू टीवीएस का 02048-00107 टीवीएस लाइनिंग टीवीएस AF2046 लाइट 33J04, ये है मॉडल इसका नंबर, और इसको अभी लगा रहा है, सेट होने में मुझे लगता है जल्द ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ब्रेक शू का सेटिंग हो रहा है। और ये पुराना वाला, ये है पुराना वाला 4 साल 6 महीना चला,
अच्छा बात है, ये थोड़ा सा स्केच हो गया ना क्या हो भाई, यहाँ से टूटा हुआ निशान है ये देखिए, बाकी सब तो ठीक ठाक ही लग रहा है। ज़्यादा का फर्क नहीं है, ज़्यादा का फर्क नहीं है माल में, एक साइड खाया है, डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, ब्रेक तो आराम से काम कर ही रहा था, फिर भी चेंज कर दिया आज का दिन, चलो देखता क्या होता है आगे। एक्स्ट्रा खर्चा निकल आया, इसका दाम लिखा है, बिल तो साथ में लिखा आया है, एक तो गाड़ी जो स्टीयरिंग लेफ्ट साइड राइट साइड कर रहा था तो उसके बाद कुछ साउंड दे रहा था, साउंड की वजह से चेक कर रहा तो बोलता है इसको चेंज करना पड़ेगा, इसका दाम यहाँ में लिखा है 1611 रुपया, ये बॉक्स में लिखा हुआ यह बॉक्स है इसका महिंद्रा जेन्युइन पार्ट्स, और बिल लिया है, बिल ये है, बिल भी दिखाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा साउंड आ रहा है, मुझे हेडफोन लगा लेना चाहिए था, हेडफोन नहीं लगाना भूल गया, 1450 रुपया लिया ये बिल है, दिखाई दे रहा, हाँ भी दिखाई दे रहा है, ये बिल लगे एक एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, टोटल 5500 का अभी तक सामान लेकर के आ गया, मैकेनिक चार्ज बाकी है, वो भी खर्चा जोड़ेगा तो लगता ज़्यादा हो जाएगा और मेरा हालत ख़राब हो रहा है धीरे धीरे, इतना खर्चा, अभी वायरिंग का काम बाकी है, वो भी काम कर रहा रहेगा, सही रहेगा, ये काम हो रहा है, चलो भाई देख लो। बहुत सा गाड़ी में सीट बेल्ट लगता नहीं है, मैं लगाता हुआ, मेरा सीट बेल्ट 4 साल 6 महीना में ख़त्म हो गया, तो क्या 5 महीने में ख़त्म हो गया, इसलिए लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से लेफ्ट साइड सेटिंग करने का कोशिश करता हुआ, तो बहुत अच्छा बात है, बेल्ट के टालाना नहीं है, ख़त्म हो गया सीट बेल्ट का, कहीं पॉइंट में कहीं जाम था, जाम की वजह से अटक रहा था, खोल के वापस सेट किया, आराम से हो गया सीट बेल्ट का, यही तो गाड़ी में सीट बेल्ट कभी ख़राब होता ही नहीं है, वो सामान ही ऐसा है, अब मेरा ख़राब रहा था 2 महीना से सिर्फ ऐसे लगा के चल रहा था। तो वीडियो के अंत में ये है, मैंने ब्रेक पैड पहला नंबर, दूसरा नंबर ब्रेक शू, और तीसरा नंबर सेंट्रल लिंक, आगे स्टीयरिंग लेफ्ट साइड और राइट साइड टर्न कर रहा था, तीनों का मरम्मत कर दिया, ठीक करवा दिया, इसका मुझे पार्ट्स में देखिए लगा है, ब्रेक शू में 1000 रुपया, ब्रेक पैड में 1000 रुपया, सेंट्रल लिंक का नाम है 1450 रुपया, टोटल 2450 पार्ट्स का हुआ, और 1700 मैकेनिक चार्ज बताया था जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है, और 1700 बता के बोला फिर 1500, मैंने सोचा 1000 रुपया देते, 1000 रुपया नॉर्मल मेरे हिसाब से ठीक था, 1000 से ज़्यादा लिया, 1300 रुपया लिया, ज़्यादा लिया, दूसरा कोई और ऑप्शन मिलेगा तो मैं ज़रूर यूज करूँगा, ये मुझे लगता है ज़्यादा चार्ज कर रहा है, 1300 रुपया टोटल काम का लिया है मैकेनिक चार्ज का। तो आज का वीडियो यही में, आज का तारीख है 11 अप्रैल 2024, वीडियो कैसा लगा आपको नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब दिस चैनल सुपर स्ट्रीट चैनल, वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूं, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, 1 महीना भी नहीं हुआ लिया हुआ, अभी वायरिंग का काम करा रहा है, लाइट स्विच खोल कर देख रहा है, ये ऊपर का इंडिकेटर लाइट, एक्स्ट्रा तो एक तो मोबाइल चार्जर लगा हुआ है, एक एक्स्ट्रा मोबाइल चार्जर का भी व्यवस्था गाड़ी में कर रहा हूँ ताकि इमरजेंसी में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो, और जब भी ट्रैवलिंग कर रहा हूँ तो मेरे हिसाब से ऐसा GPS गूगल मैप को यूज़ करने के लिए मोबाइल एक ग्लास में लगा हुआ आना चाहिए, इस प्रकार का स्टिकर, इसको क्या बोला जाता है, मेक इंडिया श्याम, 100 रुपये में उल्लूबरी ब्रिज के नीचे बैठा था, और भी ज़रूरी है कहीं दूर जाए उसके लिए, क्योंकि लोकेशन के लिए बार बार मोबाइल नीचे की तरफ रखने का जरूरत नहीं है, ग्लास में इस GPS के थ्रू ऐसे देखा जा सकेगा। क्या उसको स्पीड मीटर किलोमीटर का लाइट जल रहा था, बाकी कोई लाइट नहीं जल रहा था, अभी खोला है तो 4 स्क्रूप में 3 स्क्रूप तो सही है, 1 स्क्रूप सर गया,
क्या होता है। आजा 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 आजा, प्रॉब्लम है थोड़ा सा। आएगा बच के कहाँ, किसी तरीके से काम हो गया। सुबह से सर्वप्रथम काम किया गाड़ी का ब्रेक पैड, ब्रेक्स और सेंट्रल लिंक, और उसके बाद जाएगा वायरिंग का काम किया। और तीसरा नंबर में भी आ गया है व्हीकल को सर्विसिंग करने के लिए, जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं। ये गुवाहाटी का बिरुबारी में शाम के करीब 7 बज गए, सुबह 10 बजे 10:30 बजे से काम स्टार्ट किया था, अभी जाके 7 बज गए, अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ। तो पूरा एक दिन समय चला गया। आज ईद का दिन है, 11 अप्रैल 2024 का दिन का वीडियो है ये। आज के दिन सर्विसिंग करें, गाड़ी थोड़ा साफ सुथरा रहे तो अच्छा रहता है, क्योंकि मुझे अभी 14 या 15 दिन इसी के अंदर अभी रहना है। मेरे हिसाब से वहाँ में जाने का, सोने का, रहने का, खाने का, पीने का सब व्यवस्था गाड़ी में ही करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ वहाँ का गाड़ी का ज़रूरत है। इंसान का शायद उतना बेटर इंतजाम नहीं होगा कि एक आराम से रह पाए, इसके लिए व्यवस्था कर दिया मैंने अपना तरफ से। जो पहला नंबर गाड़ी को ठीक कर लिया, अपना तरफ से जो कोशिश हो सकता है अपना 100% दिया। ब्रेक पैड, ब्रेक शू, जिसमें मेरा 4000 का आसपास खर्चा हुआ, क्लच, प्रेशर पैड और रिलीज बेयरिंग, ये तीन सामान भी सेफ्टी के लिए रख लिया गाड़ी में, ताकि जरूरत पड़े तो मैं इस्तेमाल कर सकूँ। तीसरा नंबर मोबिल ले लूँगा, उसके बाद ब्रेक कूलेंट, तीसरा नंबर ब्रेक ऑयल, और उसके बाद मैं दो मोबाइल चार्जर का पिन सेटिंग करके दे रहा गाड़ी में, दो मोबाइल चार्जर सेटिंग करके रखूँगा, ताकि इमरजेंसी में अगर एक ख़राब हो जाए तो दूसरा काम दे दे। और एक्स्ट्रा लाइट भी एक तो लगा लिया गाड़ी में। और अभी सर्विसिंग हो रहा है शाम के 7 बजे गुवाहाटी के बिरुबारी में, और वीडियो को यहीं में ख़त्म कर रहा है। वीडियो कैसा लगा करने, थोड़ा सा 2 मिनट का आपको वीडियो चालू करके दिखा देगा ज़रूर, क्योंकि हाँ वीडियो का सॉन्ग के साथ चालू करके दिखा दूँगा। गाड़ी सर्विसिंग हो रहा है यहाँ में, ये वीडियो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा मुझे लग रहा है, इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा, सेक्शन चेंज करना पड़ेगा। नहीं,